Next question. Question says a sphere of mass m is kept in equilibrium with the help of several springs as shown in the figure. Measurements show that one of the spring applies a force of F on the spring. I mean, so it says one of the spring, all right? F on the spring. With what acceleration the sphere will move immediately after this particular spring is cut? Option is 0, F by m, minus F by m, या फिर insufficient information. Now, simple सवाल है, basics उस पर जाएगा. शुरू में हमें दिया हुआ है kept in equilibrium. इसका मतलब है ये सारे स्प्रिंग्स का टोटल जो आपका एफ नेट है नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो. तो नेट फोर्स जितने भी स्प्रिंग्स मिलके लगा रहे हैं उन सबका फोर्स जीरो है बिकॉज आपका स्प्रिंग इस सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. नाउ लेट अस से इस स्प्रिंग की वजह से आपका जो फोर्स है वो एफ अप्लाई हो रहा है. बाकी स्प्रिंग की वजह से लेट से आपका एफ डैश फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो एफ नेट इक्वल टू जीरो. सो वी कैन से एफ डैश इन वेक्टर फॉर्म प्लस एफ विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये आपका एफ डैश जो है वेक्टर फॉर्म में एफ डैश बाकी स्प्रिंग्स की वजह से और एफ इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की वजह से उनका सम आपका जीरो है. नाउ हमने क्या किया उसके बाद इस स्प्रिंग को कट कर दिया यहाँ से, राइट? दैट मीन्स आपका एफ जो है वो फोर्स आपका लगना बंद हो गया. सो हम अभी तक कह रहे थे कि आपका एफ नेट जो है नेट फोर्स ई एन टी आ गया, दिस शुड बी नेट. एफ नेट इक्वल टू आपका एफ डैश प्लस एफ इक्वल टू जीरो. नाउ जब ये लगना आपका फोर्स बंद हो गया तो उस केस में हम कहेंगे आपका एफ नेट जो है वो हो गया आपका एफ डैश. ऑलराइट, नाउ इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं आपका एफ डैश इज इक्वल टू, अगर हम उसे ले जाए, विल बी इक्वल टू माइनस एफ. ऑलराइट, इन वेक्टर फॉर्म में. सो एफ नेट हो गया वो आपका एफ डैश हो गया, यानी कि आपका एफ नेट आपके सिस्टम पे हो गया माइनस एफ फोर्स. नाउ एक्सेलेरेशन जो है उसको हम लिखते हैं एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, व्हिच इंप्लाई दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम, यानी कि आपका नेट एक्सेलेरेशन होगा जैसे आपने एक स्प्रिंग को कट किया. ऑलराइट, सो दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर.